पारो का झगड़ा जनता की कचहरी में लेकर आ रहे हैं. कृष्णा एज देवदास, सुदेश एज पारो, सिद्धार्थ एज जनता जज एंड अ फ्री सरप्राइज गिफ्ट. हेलो हेलो, अब क्या स्टैंड अप करने का? हट, कितना कॉमेडी करेंगे अर्चना जी? साला सब कॉमेडी खत्म हो गई. अब एक एक पंच दो दो बार बोल चुके हम लोग, आपको तो मालूम ही है. अरे ऐसा हाल हो गया है कि अब तो अपने घर के बाहर मैंने नेम प्लेट पे भी नाम चेंज करवा दिया. पहले लिखा था कृष्णाभिषेक शिमला वाले, अब लिखा है कृष्णाभिषेक पंच फोड़ने वाले. इतनी कॉमेडी हो गई. मैंने सोचा था साला ये रियलिटी शो है, लेकिन ये तो डेली सोप निकला. एक तरफ एक ससुरा बैठा रहता है, एक तरफ एक चचिया ससुरा, एक तरफ एक बा है, और भांजे वांजे कॉमेडी कर रहे. मैं तो सच्ची बता रहा, मैं ये शो छोड़ के चला जाता, लेकिन शुक्र मनाओ सालो कि बाहर हमें कोई काम नहीं दे रहा. इसीलिए मैं अब हीरन बेदी जी है, आएंगी कमाल की कैरेक्टर अर्चना जी. ये बहुत लोगों के केस सॉल्व करती है, कमाल कमाल का. अभी डॉली आई थी, कहती है ये कालिया साहब का बच्चा है. हीरन जी ने 5 मिनट में केस सॉल्व कर दिया, कहती है मुझसे नहीं होगा. हाले बिजली का कनेक्शन तुम लेकर आओ, जब शॉर्ट सर्किट हो तो साला हम तुम्हारी मदद करें. खैर हीरन जी आती होंगी आज, पता नहीं. कमाल का कैरेक्टर है बहुत. हेलो, कौन बात कर रहे? चिंता मत करो आप, मैं बैठी हूँ. हाँ, और तो जब जब दिक्कत हुई मैं अनशन पे बैठी हूँ, कोई छोटी बात नहीं है. हाँ, चिल्ला नहीं रही, प्यार से बात कर रही हूँ आपसे. बिल्कुल नहीं चिल्ला रही. हाँ, आप परेशान में तो क्या? अरे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. हाँ, कोई परेशानी वाली बात है ही नहीं. मैं कह रही हूँ ना, आप परेशान क्यों होते हैं? मैं करती हूँ, मैं सारे काम मैं खुद करूँगी. और इस बार मैं अनशन पे जाके ना 3-4 बार बीच में कुछ खा के भी आऊंगी. पिछली बार कुछ खाया नहीं था, इतना पतला पेट हो गया, पेट की नाभि रीढ़ की हड्डी को छू रही थी. ठीक है, अरे प्यार से बात कर रही हूँ. क्या हाल है साहेब? बकवास मत कर, साहब कौन है इधर? तभी से बात करो. अब जब बिल्ली को बाल लगाकर बब्बर शेर बनने का शौक है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? बकवास नहीं कर रही, छाती के बाल उखाड़ के नाक में घुसड़ दूंगी. बदतमीज. कोई फायदा नहीं मैडम, मैं ऑलरेडी नाक से घुसेड़ के छाती पे लगा चुका हूँ. हेलो, बकवास कर रहा. चाय लेकर आ मेरी. चाय नहीं मिल सकती. क्यों नहीं मिल सकती? वो भैंस जो दूध देती थी अब उसने दूध देना बंद कर दिया है. अबे तो किसी और भैंस के दूध की चाय पिला दे. अब एक चाय के लिए मैं किसी भैंस के साथ फिर से अफेयर नहीं कर सकता. तेरे को मैं पैसे देती थी ना, पैसे दी थी ना, अफेयर क्यों चलाता भैंसों के साथ? अरे जब जब प्यार से काम चल रहा है तो पैसे देने की क्या जरूरत है? अच्छा पहले 2-4 मीठी बातें करता था, सर सहलाता था, पर्र से दूध दे देती थी. बदतमीजी की बात मत क्या कर. नाश्ते में क्या है? नाश्ते में क्या लेंगे आप? भोले चटूरे. क्या? भोले चटूरे. भोले चटूरे? भोले चटूरे तो नहीं है, ढोसा लामोसा चाहिए आपको. ढोसा लामोसा कहाँ मिलता है? वही जहाँ आपके भोले चटूरे मिलते हैं. गेट आउट. कोई अच्छा सा केस हो तो लेकर आ. अभी बहुत ऐसा केस भेज रहा हूँ, देख के पागल हो जाओगे. पागल हो जाओगे. क्यों रो रही है? आपको क्या मतलब? आप जाके अपना डांडिया खेलो. अबे मैं फाल्गुनी नहीं हूँ. डांडिया खेलो बदतमीज. अरे मैं आपको ही ढूंढ रही थी, मैं बर्बाद हो गई हूँ. मेरा केस कोई सॉल्व नहीं करता. मैं जिस जज के पास जाती हूँ कहते तू पागल है, कोई अपने जैसा जज ढूंढ, मैं आपकी भैंस आएगी. क्या करने आई? कौन हो तुम? आपने मेरे हाथ पे ये दिया देके पहचाना नहीं मैं कौन हूँ? कल को हाथ में गदा लेके घूमेगी तो दुर्योधन समझेगी तेरे को. बकवास कर. कौन है तू? मैं पारो हूँ. पारो? बकवास नहीं करनी, जैसा तेरा गेटअप है ना किसी सिग्नल पे जाके बन. मैं पारो हूँ, मेरी शादी हो गई है, देवदास मुझे रोज तंग करता है मीरा रोड आके. तंग आ गई हूँ मैं, चलो मेरा पीछा करता रहता है.
पारो 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 साला पारो पे मालूम मैंने कितना पैसा खर्च दिया साला यही पैसा मैं बचा के रखता ना कम से कम मेरा जंगल में एक बंगला होता खुद का भले ही मुझे किसी जज के साथ जिंदगी गुजारनी पड़ती अपनी अपनी किस्मत होती है बहुत मैं बच गया परमीत फंस गया किसी बात कर रहा तू किसी बात कर रहा है चुप अंदर दारू पी के घुसा कैसे तू तेरे को क्या लेना देना तू जाके अपना डांडिया खेल अबे मैं फालतू निकली हूँ तो कौन है आप भाई साहब मैं थप्पड़ मारूंगी भाई साहब क्या होता है जब बिल्ली को बाल लगाकर बब्बर शेर बनने का शौक होता है ना तो उसमें हम क्या कर सकते बकवास नहीं कर रही मेरे से अभी यही पंच मेरा सफाई वाला बोल के गया तेरा ऐसा गेटअप है ना सफाई वाला क्या चाय वाला रिक्शा वाला भालू वाला आलू वाला यहाँ तक कि साजिद खान का हिम्मत वाला भी होगा ना वो भी तेरे को यही बोलेगा मेरे से बहस की ना मैं गूंचा मार के नाभी फाड़ दूंगी समझ में आ गई बदतमीज इंसान तेरे जैसे बहुत आती मेरे पास कैसे बात करते कैसे बात करते कैसे इसी बात की हाँ तेरे को मालूम है मैं वे पहले पुलिस में भर्ती होने वाला था तो हुआ क्यों क्या फायदा रोज ड्रिंक एंड ड्राइव के केस में मैं खुद ही पकड़ा यार बहुत ही घटिया जोक था क्या 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 घटिया जोक था बोला था राइटर को मैंने अब लिख के देते साले ससुरे हम क्या कर सकते ए मैडम देख लो पर्वतों से ये टकरा गया मैंने आवाज नहीं फिर भी ये आ गया हट नीचे ए बकवास बंद कर मैंने कुलटन को एक दिन गाड़ी गिफ्ट की कहती है ना मेरे को ने अपने बाबूजी को दो वो बाबूजी कहते रहते ना घर छोड़ दो अब खुद की गाड़ी में जाएंगे घर पे ऐसा बोलती फिर मैंने एक दिन इसको एक रिंग भी दी थी वैलेंटाइन पे अगले दिन मैंने पूछा रिंग किधर है बोलती है वो माँ को पसंद आ गई माँ ने रखी अच्छा मैंने कहा अब नाइटी लाए हो ये भी अपनी माँ को दे देना फिर एक दिन सिंदूर भी तेरी माँ के और मैं भर दूंगा शादी भी माँ से कर लूंगा फिर जीजू बोलती फिर ना मेरे प्यार करती नहीं हो मुझसे मैं भी आनी कहती देखो मैं भी आनी कहती नहीं कर तेरी इसी शराब की वजह से नशेड़ी नशेड़ी नशा करके मैंने कौन सी तेरी बहन छेड़ दी अच्छा काफिया मिलता है ए छेड़ी मेरी बहन को छेड़ के देख एक दिन ऐसा छेड़ेगी उतनी उल्टियां तू दारू पी के नहीं करता जितनी वो हर साल करेगी चुप घटिया औरत देगा खामोश अगर मेरी बारे में एक भी बात की तो मैं भून के रख दूंगी खामोश ये क्या कर रही है तू क्योंकि आज से हम दोस्त नहीं मैं तेरा शत्रु हूँ खामोश शत्रु ये तो शत्रु है इसका बाप इतना बड़ा फुंतरु है ना मैं क्या बोल शादी की बात कर रही है कहते हैं हम लोग बहुत रईस लोग हैं हमने अपनी बेटियों को रानियों की तरह पाला हुआ है फिर कहते 30 रुपये मिलेगा मोबाइल मेरे को रिचार्ज करवाने मैं साले तेरे को शर्म नहीं आती है अपने दामाद से 30 रुपये मांगते कहते तू तो कुछ भी नहीं इससे पहले जो लड़का आया था ना उसने तो चप्पल और बनियान मांग ली थी मैंने इसकी माँ की कहानी बताता हूँ मैं अरे उसकी माँ ने मेरे को खाने पे बुलाया टेबल पे सर खाना लगाया रोटी के ऊपर से ना चूहा भाग के गया मैं अच्छी ची ये वाली रोटी मैं नहीं खाऊंगा कहती खा ले क्या प्रॉब्लम है चूहे ने कौन सी चप्पल पहनी हुई थी बंद रे बकवास तुम औरतों के ऐसी बात करती तेरे को क्या लेना देना तू जाके अपना डांडिया खेल अबे मैं पाल घूरी रही हूँ ये देखो आपकी जेब नहीं मेरी कितनी बेइज्जती कर रहे मेरे खानदान की कितनी बेइज्जती कर रहे जैसी तेरी शक्ल है तेरा खानदान ऐसा हो भी सकता है मैं बता दूं बदतमीजी मैं औरतों के खिलाफ अनशन कर देती हूँ ऐसे अनशन कर देती हूँ मैं भी एक दिन अनशन पे बैठने वाला था बैठा क्यों क्योंकि दारू पीने के बाद मेरे को खाना चाहिए तू यहाँ चाना क्यों आएंगे अचानक क्यों एक बात सुन लो इस दुनिया में कोई भी लड़की हो कहीं पर भी हो स्टेज पे या इस दुनिया में वो कहीं भी अचानक ही आती है लड़कियों की कहीं भी प्लानिंग नहीं की जाती कैसी हरकतें कर रही है अभी प्रशांति नाच रही है अरे ऐसी हरकतें करती रहती है तभी मैं इससे आ रहा हूँ अरे तालू की लत लगे वालों मेरे वो इतना प्यार करता था सारा दिन घर में चिल्लाता रहता था पारो 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 लोग सोचते थे दारू ए इससे अच्छी तो मेरी चंद्रमुखी है चंद्रमुखी
देख बकवास करिए चुप तू चुप रह जाके डालिया खेल चल निकल अबे मैं तेरे मैम फाल्गुनी नहीं हूँ फाल्गुनी मैं तो मैं भी उबली हुई मेरी नहीं हूँ समझी तू बकवास कर रही है मैं अपने देव बाबू की चंद्रमुखी हूँ तू चंद्रमुखी है तू चंद्रमुखी है ये जो मेरे देवदास को कहोगी बकवास बंद कर तेरे को मालूम है चंद्रमुखी ने मेरा कितना साथ दिया है इसने साथ दिया इसकी अपनी बॉडी फंक्शन तमीज से साथ नहीं दे रहे बीच में नाक लगी नहीं तो आंखें टकरा के गिर जाए इसकी खबरदार जो एक भी लफ्ज कहा तो मेरी चुप करो आपने देखा कितनी बकवास कर रहा है आपके साथ अंकल जी आप इस थप्पड़ मारूंगा अंकल जी को नहीं ए, क्या बकवास कर रही है तू ए बकवास मत कर माना मेरी यादाम पे सब लोग मरते हैं लेकिन मैंने आज तक बहन वैसे पेट बड़ा देवा तुम्हें पहले भी प्यार करता था और आज भी करता है मैं जानती थी कि तुम इसको दारू नहीं पिला रहे दमे की दवाई पिला रहे हो ना तुम ठीक हो जाओगी बहन बदतमीज लेकिन बहुत आई है इसको कोई तमीज नहीं ए गंजी चल जा स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में डांडिया हो रहा जाके खेल चल जा डांडिया 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 ले मैं खेलती हूँ बजाओ बजाओ तुम लोग बजाओ डांडिया खेल तो अर्चना आपको ये पागलों की टोली और हमारी सरप्राइज गिफ्ट कैसी लगी ये तुम लोग ही कर सकते हो कि देवदास और पारो की अमर प्रेम कहानी को तुमने इतना मतलब इतना गिरा दिया और पारो सुदेश आप दूर दूर से पारो नहीं लगते कहाँ वो संजय लीला बंसाली की पारो और कहाँ ये कॉमेडी सर्कस की पारो लेकिन हिट ये वाली है चंद्रमुखी यू आर अडोरेबल आप माधुरी दीक्षित से भी ज्यादा हसीन है और खूबसूरत है परफेक्ट वॉर्डन लवली यंग सेक्सी देवदास और जो आप नाचे हो पहले उस तरफ और इस तरफ मतलब पैसा वसूल एंड काबिले तारीफ वेरी वेरी क्रेडिट वर्दी वॉज हिरन बेदी माइंड ब्लोइंग ऑल इन ऑल ये परफेक्ट एक्ट नहीं था लेकिन पारो की वजह से चंद्रमुखी की वजह से और हमारे देवदास की वजह से और ख़ास तौर से हमारे हिरन बेदी जी की वजह से वेरी वेरी गुड थैंक यू आर्ची सुहेल You know, Bharti and Siddharth and Sudesh ji, you all did a fabulous job. Lekin, aap log ne apne khud ki ek dushman, ek enemy bana di ki aap log ne is act ko itna hype kiya aur is act se itne expectations ho gaye the because of the characters. I don't feel ki aap log ne isko justify nahi kiya, lekin thoda sa jo ek expectations the, wahan tak aap log nahi pahunch paaye because it was a lovely concept. Performances were great, just fabulous, my friends. Arjuna, आप इस एक्ट को कितने पॉइंट देंगे? काफी बार कह चुकी हूँ, आज दोहरा रही हूँ कि ऐसा टैलेंट कहीं नहीं, ऐसा शो कहीं नहीं, ऐसे एक्ट्स कहीं नहीं, ऐसी क्रिएटिविटी कहीं नहीं, और जहाँ पर परफेक्ट एक्ट ना होने पर भी मार्क्स नहीं काटे जाते हैं, ऐसा शो भी कहीं नहीं, यही है ही. 10 points from Arjuna, Sohail. I'll go for it. 10 points from Sohail. For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.